नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात, 6 बड़ी योजनाओं की दी सौगात। नमामि गंगे के तहत गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन। एसटीपी प्लांट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है मौजूद। पीएम ने पीएम मोदी का जताया आभार। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा देवभूमि की धरा को मेरा नमन, नमामि गंगे केवल सफाई तक सीमित नहीं। नमामि गंगे मिशन के तहत बड़ी सौगात, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गंगा सबके लिए मोक्षदायिनी, गंगा सफाई का अभियान रंग लाया। चार धाम में लगातार पहुंच रहे पर्यटक, 48,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे चारों धाम, बड़ी संख्या देख पुलिस ने भी कसी कमर। यमुनोत्री हाईवे पर चटा गंगाधार में लगातार हो रहा भूस्खलन, रास्ता खुलने में लगेंगे 15 दिन, स्कूल जाने में लगातार बच्चों को हो रही परेशानी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखंड में 521 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का पीएम मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के शुरू होने से उत्तराखंड से अब प्रतिदिन 15.2 करोड़ लीटर दूषित पानी गंगा नदी में नहीं बहेगा। लोकार्पित किए गए प्रोजेक्ट में जगजीतपुर हरिद्वार में 230 करोड़ रुपए की लागत से बना 68 MLD क्षमता का एसटीपी, 20 करोड़ की लागत से बना 27 MLD क्षमता का अपग्रेडेड एसटीपी और एसटीपी समेत कई MLD क्षमता का एसटीपी शामिल है। प्रधानमंत्री ने रोइंग डाउन द गंगेज ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए ये बनाई गई और मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार एक कदम और आगे बढ़ा रही है। उन्होंने केवल 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने का बीड़ा भी उठाया है। वर्ष 2022 तक हर घर नल से जल देने का लक्ष्य भी रखा गया है। उत्तराखंड को आज बहुत बड़ी सौगात मिली है और ये सौगात केवल उत्तराखंड की नहीं है बल्कि तमाम उन लोगों के लिए है जिनकी गंगा के प्रति आस्था है, जिनका गंगा के प्रति विश्वास है। तमाम वो किसान जो गंगा तटों पर अपना खेती का काम करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्थ गंगा का आह्वान किया था कानपुर में, और उन किसानों के लिए भी तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, जिन जो 40% आबादी के लिए अन्न उत्पादित करते हैं। और कोरोना संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सा और अन्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर गठित निगरानी समिति ने जनपद में स्थापित कोविड केयर सेंटरों में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को उपलब्ध की जा रही चिकित्सा सुविधा और अन्य व्यवस्थाएं के संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीनियर जज सीडी चित्रा रावत, अपर जिलाधिकारी और अध्यक्ष बार एसोसिएशन गोविंद सिंह भंडारी ने जनपद में कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह में बनाए गए कोविड केयर सेंटर पहुंचकर वहां रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधा एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए कि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का अनिवार्य रूप से सभी से पालन कराना सुनिश्चित करें। देहरादून में राशन कार्ड को ऑनलाइन किए जाने का काम शुरू हो चुका है, जो कि कोविड के कारण रोक दिया गया था। जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी ने बताया जो करेक्शन फॉर्म राशन की दुकानों में बांटे गए थे वो वापस आने शुरू हो गए हैं। अभी तक 90% फॉर्म आ चुके हैं जिनका अपडेशन का काम पूरा हो चुका है। अब शासन द्वारा जैसे ही निर्देश दिए जाएंगे तभी नवीनीकरण का काम भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो राशन कार्ड जारी होंगे वो स्मार्ट कार्ड के फॉर्मेट में होंगे, जिसमें फैमिली की डिटेल के साथ ही बार कोड भी लगा है। ये राशन कार्ड जो पूर्व में 2014 में जारी हुए थे, अब क्योंकि 5 साल के बाद में नए राशन कार्ड जारी होते हैं, तो उसी के तहत जो पूर्व में पिछले वर्ष भी कार्य नए राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका था, लेकिन कोविड के कारण से ये काम
तीन चार महीने में नहीं हो सका है। पुनः जो है जो हमारे शुद्धिकरण जो करेक्शन फॉर्म हैं जो दुकानों में बटे थे वो हमारे वापस आने शुरू हो गए हैं। कुछ दुकानों में अब हमारे 90% से अधिक फॉर्म भी वापस आ चुके हैं। इनका हमने अपडेशन का काम भी कर दिया है, मॉडिफिकेशन का काम भी कर दिया है। उत्तराखंड में कोरोना महामारी लगातार पैर पसारती नजर आ रही। देहरादून में नगर निगम में पिछले काफी समय से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते नगर निगम को पब्लिक के लिए बंद करके सैनिटाइजर का काम किया जा रहा है। लेकिन फिर नगर निगम को दो दिन यानी कि बुधवार और बृहस्पतिवार को पब्लिक के लिए बंद किया गया है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि रविवार को हेल्थ डिपार्टमेंट से एक केस नगर निगम में निकला था, जिसके कारण सोमवार और मंगलवार को भी नगर निगम बंद कर दिया गया था। हालांकि नगर निगम का ऑफिसर काम लगातार चल रहा है, सभी कर्मचारी अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन आज फिर एक मामला कोरोना वायरस आया है, इसके चलते बुधवार और बृहस्पतिवार को फिर जनमानस का नगर निगम में आना वर्जित है। डिपार्टमेंट से रिपोर्ट हुआ था, उसके कारण ही हम लोगों ने मंडे और ट्यूसडे को यहां पर जन सामान्य के लिए प्रवेश को रोका था। हालांकि हमारे नगर निगम का इंटरनल काम तो सुचारू रूप से चल रहा है, सभी कर्मचारी अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन अभी मॉर्निंग में एक केस फिर रिपोर्ट हो गया है और इसके कारण बुधवार और बृहस्पतिवार ये दो दिन फिर जनसामान्य का प्रवेश इसमें वर्जित होगा। और ये सही है कि इससे पब्लिक को दिक्कतें बहुत हो रही हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी पिछले दिनों सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए थे, ईमेल जारी किए थे, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से फिर से अनुरोध है कि यदि इनकी बहुत आवश्यक कोई समस्या है तो अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क टेलीफोन पर कर सकते हैं और उनकी समस्या को हम लोग समय से निस्तारित करने का प्रयास करें। और रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर केंद्रों पर धान किसानों की खतौनी से खरीदने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे खरीद में किसी प्रकार का घोटाला नहीं होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम रंजना राजगुरु को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में 5 लाख मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य था, मगर कमीशन एजेंटों की मिलीभगत से 1.5 माह में ही 9 लाख मैट्रिक टन खरीद कर ली गई है। समय से पहले अधिक खरीद होने पर नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग हरकत में आ गया है और धान खरीद बंद कर दी गई है। इतना बड़ा घोटाला, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रेट पर किसानों का धान और गेहूं खरीद जाता है, इससे किसानों को काफी नुकसान होता है। एक राइस मिल संचालक 70,000 क्विंटल चावल खरीद सकता है, जबकि कई राइस मिलों ने इससे अधिक खरीद कर ली। उन्होंने कहा कि घोटाले की विस्तृत जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जिसके पास कहते हैं आधार कार्ड है वो भी कहता है धान खरीद सकता है और धान बेच सकता है। अरे भैया, किसान मॉनिटरिंग करिए, देखिए जाके वो देखिए, और जो आपने टारगेट दे रखा है सोसाइटी में, इससे अधिक किसानों का ही धान। और नैनीताल के स्टाफ हाउस क्षेत्र में 6 फरवरी को हनुमान मंदिर में नाले में बच्चे की रोने की आवाज ने रास्ते से गुजर रहे चौंका दिया लोगों को। लोगों ने नाले में एक नवजात बच्ची पड़ी देखी तो नवजात को लोगों ने नाले से बाहर निकालकर नैनीताल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद मल्लीताल पुलिस जांच में जुट गई है। नवजात शिशु का डीएनए लेकर संदिग्ध 4 लोगों के डीएनए रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इसका नवजात शिशु से मिलान किया गया। बता दें कि रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि नाबालिग से उसके जीजा ने दुष्कर्म किया और कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्ची जो नाले में मिली थी कुछ महापौर, तो उस संबंध में थाने पर 315-307 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद जो है जो प्रकाश में आए अभियुक्त, जो एक तो महिला जो पीड़िता ने 164 के बयान में एक लड़के का नाम लिया था जो अभियुक्त था, उसने जिसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी, और उसके डीएनए टेस्ट में उसका डीएनए टेस्ट पॉजिटिव नहीं पाया गया, तो उसके पश्चात हमारी एसआई महिला एसआई जो हैं सुश्री पुष्पा श्रेष्ठ जी, उन्होंने जो है संदेह के आधार पर चार लोगों के डीएनए टेस्ट और कराए, जिसमें पीड़िता का सगा बहनोई धनीराम जो है बच्ची का जैविक पिता पाया गया है, जिसे उसे जो है सुसंगत धारों में 315, धारा 307 और 201, 376 आईपीसी के तहत, इसके अलावा जो है धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। और खबर नैनीताल से, सरोवर नगरी नैनीताल नगर में सैलानियों की संख्या में इजाफे और कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर खाद्य विभाग सक्रिय हो गया है।
खाद्य आपूर्ति निरीक्षक अश्विनी कुमार ने पंत पार्क में खुले में खाद्य सामग्री बेचने वाले फल कारोबारियों से बात कर उन्हें दिशा निर्देश देते हुए सभी खाद्य पदार्थ सामग्री को ढक कर रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही दुकान के पास कूड़ादान रखने का सख्त आदेश भी दिया है। उन्होंने एक महीने के भीतर आधुनिक तकनीक से बने ठेले का निर्माण करने को कहा है, जिससे खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की धूल मक्खी मच्छर न पहुंचे। सभी खाद्य सामग्री विक्रेताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा, यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी दुकान पर किसी प्रकार की मृदा पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पंत पार्क में जो ठेले लगते हैं, फूड स्टॉल्स लगते हैं, इसकी समस्या काफी दिनों से चली आ रही थी और इन लोगों ने लाइसेंस के लिए कई बार अप्लाई किया और हमने यहाँ पे पजेशन सर्टिफिकेट ना होने के कारण, क्योंकि अब नगर पालिका का अधिकार है कि अपने एरिया में किसी को बिजनेस करने दें स्टॉल या फेरी वालों को, तो अब मेरा ये विचार है कि जिनको मिल चुका है फूड का एथराइजेशन, वो अपने ठेले को मॉडर्न तरीके से फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइजेनिक तरीके से उस ठेले को निर्माण करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजना में हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 MLD के जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण और 27 MLD के मौजूदा जल मल शोधन संयंत्र का उन्नयन और हरिद्वार के सराय में 18 MLD का जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण शामिल है। देवभूमि उत्तराखंड को बड़ी सौगात, एसटीपी प्लांट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, नमामि गंगे स्कीम के तहत बने एसटीपी, गंगा अवलोकन का भी पीएम ने किया उद्घाटन। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं में हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 MLD के जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण, 27 MLD के मौजूदा जल मल शोधन संयंत्र का उन्नयन और हरिद्वार के सराय में 18 MLD का जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण शामिल है। वह गंगा से संबंधित प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन किया, जो इस नदी से जुड़ी संस्कृति, जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। संग्रहालय हरिद्वार में चंडी घाट पर स्थित है। मोदी जल जीवन मिशन के लोगों और ग्राम पंचायतों के लिए मार्गदर्शिका और मिशन के तहत पानी समितियों का भी उद्घाटन किया। गंगा जी की स्वच्छता, गंगा जल की स्वच्छता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर हैं, वहां बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे भगीरथ प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जो मां गंगा की निर्मलता के लिए और अविरलता के लिए जो भगीरथ प्रयास किया, उसी का ये परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से एसटीपी प्लांट हैं। एसटीपी प्लांट का उद्घाटन, नमामि गंगे स्कीम के तहत बने एसटीपी, बद्रीनाथ धाम में 18 करोड़ का 1 एसटीपी प्लांट, हरिद्वार में तैयार किए गए 4 एसटीपी,
हरिद्वार जगजीतपुर में 230 करोड़ का एसटीपी। एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार 68 एमएलडी का प्लांट। 27 और 18 एमएलडी के 33 करोड़ रुपए के दो प्लांट। मुनि की रेती बद्रीनाथ में एक एक एसटीपी प्लांट। मुनि की रेती में 39 करोड़ का 5 एमएलडी प्लांट। ऋषिकेश में 200 करोड़ रुपए के दो एसटीपी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और खबरों के बीच सितारगंज से इस वक्त की खबर आपको बताने जा रहे हैं। केबल ऑपरेटर की करंट लगने से सितारगंज में मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हुई है केबल ऑपरेटर की। डिश केबल लगाने के लिए पोल पर यह ऑपरेटर चढ़ा था। निजी कंपनी में ऑपरेटर था मृतक 20 वर्षीय नरेश कक्षप। केबल ऑपरेटर की करंट लगने से सितारगंज मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हुई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सितारगंज से खबर है, केबल ऑपरेटर डिश केबल लगाने के लिए पोल पर चढ़ा था ऑपरेटर, निजी कंपनी में ऑपरेटर था मृतक 20 वर्षीय नरेश कश्यप। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और दो गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा सफाई का अभियान मोदी सरकार के लिए शुरुआत से ही काफी अहम रहा है। आज इसी कड़ी में नया आयाम जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। कौन कौन सी ये परियोजनाएं हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो 68 एमएलडी सीवरेज शोधन संयंत्र, स्थान जगजीतपुर, लागत 230 करोड़। 05 एमएलडी सीवरेज शोधन संयंत्र मुनि की रेती टिहरी, लागत तकरीबन 39 करोड़। तो परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो परियोजनाओं का नाम क्या है, किस स्थान पर ये परियोजनाएं बनाई गई और तकरीबन इनमें लागत कितनी आई। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी परिसर में
44.21 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 अंडर पास का शिलान्यास किया। इस तरह 4 दशक से अंडर पास को लेकर हो रहा इंतजार खत्म हुआ। इन दोनों अंडर पास को बनाने के लिए 2 साल का समय तय किया गया है। राजनाथ ने कहा कि यदि ये अंडर पास 1.5 साल की अवधि में बनकर तैयार हुए तो इनका उद्घाटन करने आएंगे। आईएमए में बनेंगे 2 अंडर पास, 40 साल से रुका था प्रोजेक्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी गई आधारशिला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी आधारशिला। आईएमए में सुरक्षा की दृष्टि से रहती थी चिंता। इस परियोजना पर खर्च किए जाएंगे 45 करोड़। अंडर पास से ट्रैफिक जाम से भी मिलेगी मुक्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएमए देहरादून में बनने वाले 2 अंडर पास की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखी। राष्ट्रीय राजमार्ग 72 से अकादमी के 3 परिसरों को जोड़ेंगी, जिसे चक्राता रोड के रूप में भी जाना जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि परेड के दौरान आईएमए में सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार और सेना को भी चिंता रहती थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि परियोजना को लॉन्च होने में 40 साल से अधिक का समय लगा। इन अंडर पास के बनने से परेड के दौरान लोगों को आवाजाही की जो दिक्कतें होती थी उनका समाधान होगा। 45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। ये शिलान्यास आईएमए में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर CDS विपिन रावत भी मौजूद रहे। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और छटांगा के पास भारी भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद हो गया है। जिला आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक रविवार दोपहर को छटांगा के पास भूस्खलन की वजह से यमुनोत्री हाईवे बंद हुआ था। ऐसे में हाईवे के दोनों तरफ वाहन फंस गए हैं। NH विभाग की टीम रविवार शाम को पहुंची थी, लेकिन लगातार भूस्खलन की वजह से मशीनरी मार्ग भी नहीं खोल पा रही है। नासूर बना छटांगा धार डेंजर जोन। यमुनोत्री हाईवे पर छटांगा धार में भूस्खलन, भारी भूस्खलन के कारण आवाजाही ठप। जिला प्रशासन ने किया रूट डायवर्ट, रास्ता खुलने में लगेंगे 15 दिन। पैदल आवाजाही को बनेगी अस्थायी पुलिया, जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही। के चलते छटांगा धार क्षेत्र में हुए भारी भूस्खलन के कारण यमुनोत्री हाईवे दूसरे दिन भी बाधित रहा। पहाड़ों से रुक रुक कर भारी बोल्डर और मलबा गिरने से मार्ग खोलने में दिन भर दिक्कतें आती रहीं। इसके चलते प्रशासन को यहां ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा, जबकि पैदल आवाजाही के लिए यमुना नदी पर अस्थायी पुलिया बनाने की तैयारी की जा रही है। हाईवे को सुचारू करने के लिए निर्माण एजेंसी ने प्रशासन से 15 दिन का समय मांगा है। बीते शनिवार देर रात को ऑल वेदर रोड कटिंग कार्य के कारण छटांगा धार में भारी भूस्खलन हो गया था। इसे खोलने के लिए NH विभाग व निर्माण एजेंसी के कर्मचारी रविवार सुबह से ही जुटे रहे, लेकिन पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसके कारण सफलता नहीं मिली। हालांकि सोमवार सुबह करीब 10 बजे मलबा साफ कर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई, लेकिन आधा घंटे बाद ही भूस्खलन सक्रिय होने से हाईवे को पुनः बंद करना पड़ा। इस कारण गीट, ठकराल, ओजरी, बड़कोट, बड़ियार, पट्टी के ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। टटाव स्थित महाविद्यालय में परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को इस हिस्से में जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। इस रास्ते में लोगों को करीब 25 से 30 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। साथ ही स्थानीय लोगों को पैदल आवाजाही के लिए यमुना नदी में ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी पुलिया तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तब तक लोगों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। और हमारा उत्तराखंड में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।